हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? देखिए, आज हम बिहारी खिचड़ी बनाने वाले हैं, जो कि देखिए यहाँ हम गोभी का कटिंग कर लिए हैं और ये प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ती और ये टमाटर। आप चाहे तो अपने पसंद की जो सब्जी मन हो इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम गोभी इसमें डाल रहे हैं और देखिए यहाँ ऑयल में हम जीरा और तेजपत्ता डाले हैं। चलिए, आप लोगों से रेसिपी शेयर कर रहे हैं, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये बिहारी खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट होता है और ठंडी के मौसम में मतलब हर सब्जी भी मिलता है तो खाने में भी अच्छा लगता है बनाने में। इसमें हम पहले गोभी ऐड करेंगे, पहले जीरा तेजपत्ता लाल हो गया है, अब हम इसमें गोभी ऐड करेंगे। तो देखिए आप सब, यहाँ कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें गोभी डाल देंगे। अब देख सकते हैं हम इसमें गोभी ऐड कर चुके हैं और हरा मिर्च और प्याज भी ऐड इसमें कर देंगे। ये तीनों एक साथ मतलब थोड़ा भून जाएगा और थोड़ी लहसुन की कलियां जो हमने बारीक कटा हुआ है और छौंक लगाने के लिए हम अलग से रखे हैं, पहले इसमें हम ऐड कर लें। अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। तो देखिए हम इसमें नमक ऐड कर दे रहे हैं। हम ये दो लोगों के लिए बना रहे हैं, आप चाहे तो अपने लोगों को बनाना हो बना सकते हैं। और हमने 100 ग्राम चावल और मसूर दाल लिया है 50 ग्राम से थोड़ा ज्यादा, क्योंकि खिचड़ी फैलता है इसलिए ज्यादा तो हमें बनाता नहीं है और इसमें गोभी भी है। तो देखिए हमारा गोभी फ्राई हो रहा है, तो देख सकते हैं गोभी हमारा फ्राई हो रहा है। अब हम इसमें थोड़ा मसाले ऐड करेंगे, जैसे ये हल्दी, थोड़ा गरम मसाला पाउडर, इसमें हम टमाटो ऐड कर देंगे जो कि हम काट के रखे हैं धोके। अब हम इसे मिला लेंगे। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा गोभी भुंजा गया है और मसाला भी फ्राई हो ही चुका है। और हम इसमें आलू भी ऐड किए हैं, क्योंकि खिचड़ी में वो नया वाला जो आलू है वो अच्छा लगता है खाने में, तो इसमें हम ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसमें दाल चावल धो के रखे हैं उसको ऐड करेंगे। तो देख सकते हैं हम ये दाल चावल धो के रखे हैं, इसको अब हम इसमें ऐड करेंगे। तो हम इसमें अपना जो दाल चावल धो के रखे थे इसको हम ऐड कर दिए। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे, तो पानी हम इसमें 2.5 गिलास ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ग्रेवी अच्छा लगता है, ज़्यादा खिचड़ी मतलब कड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो देख सकते हैं हम इसमें पानी ऐड कर चुके हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा और भी ऐड करेंगे अगर सूख जाएगा तो। तो देख सकते हैं हम पानी ऐड कर चुके हैं, अब इसमें हम धनिया पत्ता भी डाल देंगे। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं लगभग हमारी खिचड़ी पक चुकी है। तो आप देखिए कितनी अच्छी पक चुकी है और ग्रेवी भी है।
हम इसे कढ़ाई में ही बनाए हैं क्योंकि मतलब कढ़ाई में बनाने से थोड़ा अच्छा रहता है, अच्छे से मतलब ग्रेवी रहता है, जैसे कुकर में थोड़ा सूख जाता है, तो हम आज कढ़ाई में ही बनाए हैं। तो अब देख सकते हैं, अब इसमें हम छौंक लगाएंगे घी से। तो देखिए, चलिए छौंक के लिए भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो आप देख सकते हैं, हम एक पैन में कलछुल में मतलब इस घी डाल चुके हैं। अब हम इसमें प्याज, लहसुन और रेड मिर्च, जीरा डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें रेड मिर्च डालेंगे, ये लाल हो जाए, और इसमें जीरा ऐड करेंगे। और लहसुन के अलग हमने पहले भी डाला है था फ्राई करते वक्त। देखिए, ये काफी गर्म हो चुका है, देख सकते हैं। तो हम इसमें लहसुन और प्याज थोड़ा सा बारीक कट के रखा था, इसको ऐड कर दिया। अब ये थोड़ा लाल हो जाए तो हम खिचड़ी को फ्राई कर देंगे। और खिचड़ी का गैस हम बंद कर चुके हैं। अब देख सकते हैं, इसका ग्रेवी भी सही है खाने लायक। और देखिए, गोभी भी पता चल रहा है। कुकर में बनाने से गोभी जो होता है उगल जाता है, मतलब पता ही नहीं चलता है, और इसमें थोड़ा पता चलेगा, अच्छा लगता है खाने में। तो देख सकते हैं आप, इधर हमारा छौंक के लिए तैयार हो ही रहा है। देख सकते हैं, लगभग ये ब्राउन हो चुका है। अब गैस हम बंद कर देंगे। और खिचड़ी में देखिए, छौंक लगा दिए। इसे थोड़ा हम ढक देंगे। तो देख सकते हैं आप, देखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करें एक बार ऐसे बिहारी खिचड़ी। स्पेशल सैटरडे आज है, तो हमने आज इसीलिए ये खिचड़ी का प्रोग्राम रखा और आप लोगों से भी शेयर किया। तो चलिए मिलते हैं खाने पर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, हमने खाने के लिए लंच में खिचड़ी निकाल लिया है, और इधर हमने कुरकुरिया, और इसको मतलब बिहार में ये इसे बनाया जाता है घर पर ही, तो ये कुरकुरिया और टमाटर आलू का हमने चोखा बनाया है। तो आप देख सकते हैं, तो आज हमारा लंच यहीं होगा। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, हम आप लोगों को दिखा ही चुके हैं अपने खिचड़ी की रेसिपी, बिहारी स्पेशल खिचड़ी। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें एक बार, और बताइएगा कमेंट करके कैसा बना और कैसा लगा आप लोगों को। और हमारे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड में। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।